नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक प्लस टू उच्च विद्यालय तोपापिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसी के अंतिम टॉपिक लॉजिक गेट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट समझने से पहले हमें दो तरह के सिग्नल्स के बारे में जानना होगा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। जो कंटिन्यूस सिग्नल वैल्यू होता है, जिसमें कंटिन्यूस सिग्नल वैल्यू चेंज करता है टाइम के साथ में, उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में, तो उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और ए डिसकंटिन्यूस सिग्नल वैल्यू विच अपीयर्स इन स्टेप्स इन प्री डिटरमाइंड लेवल रादर देन हैविंग द कंटिन्यूस चेंज, कंटिन्यूस चेंज होने की जगह पर उसके दो ही वैल्यूज होते हैं, उनको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अगर हम लोग वी वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं एनालॉग सिग्नल के लिए, तो इस तरह का बनेगा। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो एसी के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसका 5 वोल्ट हुआ, मिनिमम माइनस 5 हुआ, उसी के बीच में इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। और अगर डिजिटल का बनाएंगे तो इसमें 1 और 0 दो ही वैल्यू पे ये वैरी करेगा, ठीक है। 1 0 मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट हुआ, मिनिमम वैल्यू 0 वोल्ट हुआ। डिजिटल सर्किट एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ओनली इन टू स्टेट्स, बाइनरी मोड, जो कि ऑन या ऑफ कहते हैं, उसको हम लोग डिजिटल सर्किट कहते हैं। डिजिटल सिस्टम में हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम लोग 10 वोल्ट कहते हैं या 5 वोल्ट लेते हैं, जिसको ऑन स्टेट कहते हैं या 1 लिखते हैं, और लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज को 0 वोल्ट या माइनस 5 वोल्ट होगा या माइनस 10 वोल्ट होगा, उसको ऑफ स्टेट कहते हैं या 0 से डिनोट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग एक ऐसा नंबर सिस्टम लेते हैं जिसमें सिर्फ दो ही डिस्क्रीट वैल्यू होता है, एक 0 और दूसरा 1 होता है, ठीक है। द स्टेट ऑन या ऑफ जो रिप्रेजेंट करता है वो 1 और 0 को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ डेसिमल नंबर अगर हम लोग देखना चाहेंगे, तो डेसिमल नंबर में टोटल 10 रेडिक्स होते हैं, बेस 10 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी सिस्टम में दो ही होता है, ठीक है। अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो डेसिमल में 0 को हम लोग बाइनरी में 0000 लिखते हैं, 1 को 0001 लिखते हैं, 2 को 0010 लिखते हैं, 3 को 0011 लिखते हैं, 4 को 0100 लिखते हैं, इसी तरीके से 9 तक को लिखा हुआ है, 15 तक भी लिख दिए हैं आगे। बुलियन अलजेब्रा, जॉर्ज बुली जो थे उन्होंने डेवलप किया था एक अलजेब्रा जिसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं, टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स इन दिस थ्री लॉजिकल ऑपरेशन और एंड एंड नॉट आर परफॉर्म ऑन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पे ये तीन लॉजिकल ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। द टू वैल्यूज और स्टेट्स रिप्रेजेंट आइदर ट्रू और फॉल्स, ऑन या ऑफ, हाई और लो, क्लोज या ओपन, या फिर इसी को 1 या 0 बोलते हैं। और ऑपरेशन, और ऑपरेशन में क्या होता है कि बुलियन अलजेब्रा में हम ए प्लस बी लिखते हैं, ए और बी दोनों में से कोई भी अगर ऑन रहेगा तो हमको आउटपुट वाई मिल जाएगा, ट्रू रहेगा। दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहेगा तो वाई भी मेरा ट्रू होगा। इसके लिए एक सिंपल सा हम एक डायग्राम बनाए हुए हैं, इसका हम लोग फिर डिजिटल सर्किट भी देखेंगे, जिसमें हम लोग एक बैटरी लिए हुए, एक बल्ब लिए हुए, दो स्विच लिए हुए हैं, एक को ए बोलेंगे दूसरे को बी बोलेंगे। आप देख रहे होंगे कि दोनों में से किसी को भी अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारा बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। हम ए को ऑन करेंगे तो भी बल्ब जलेगा, बी को ऑन करेंगे तो भी बल्ब जलेगा, दोनों को ऑन करेंगे तो भी बल्ब जलेगा, और दोनों को ऑफ कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल हुआ। ट्रुथ टेबल में स्विच ए को ऑफ किए, स्विच बी को ऑफ रखे तो बल्ब मेरा नहीं जला, ऑफ है। दोनों में से किसी को एक ऑन किए या दोनों को ऑन कर दिए तो हमारा बल्ब जलने लगा। एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ए डॉट बी लेते हैं, इसमें ए एंड बी दोनों होना चाहिए ऑन, दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी जा करके वाई हमारा ट्रू होगा। इसके लिए हम लोग एक सर्किट, सिंपल सर्किट लिए हुए हैं, जिसमें दो स्विच को रखे हुए हैं, दोनों स्विच को सीरीज में रखे हैं, ए और बी। अगर आप ए को ऑन कर दीजिएगा और बी को ऑफ कर दीजिएगा तो बल्ब क्या जलेगा? नहीं जलेगा। या बी को ऑन कर दीजिए, ए को ऑफ रखिए तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, ठीक है। अगर दोनों को ऑफ करेंगे तो नहीं जलेगा, मगर दोनों को ऑन कर देंगे तो बल्ब हमारा जलने लगेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। दोनों ऑफ है, स्विच ए ऑफ है, स्विच बी ऑफ है, तो बल्ब वाई ऑफ है। स्विच
ए ऑफ है, स्विच बी ऑन है, मगर बल्ब ऑफ रहेगा। दोनों ऑन होगा तभी जा करके ये हमारा बल्ब ऑन होगा। नॉट जो तीसरा लॉजिक गेट होता है वो होता है हमारा नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंपल उसके ऊपर में बार लगा देते हैं, ए नॉट ए के ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब उल्टा होना होता है। ए अगर ट्रू है तो वाई हमारा फॉल्स हो जाएगा, अगर ए फॉल्स है तो वाई हमारा ट्रू होगा। इसके लिए हम लोग एक सर्किट लिए हुए हैं, ठीक है। देखिएगा ये स्विच में ये हमारा ऑफ स्टेज है, मेन हमारा स्विच जो है आप देखेंगे अगर ये है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको अगर हम लोग ऑफ करेंगे, ठीक है ऑफ है तो ये बल्ब हमारा जल रहा है, और नीचे अगर हम लोग ऑन कर दिए दोनों को कनेक्ट कर दिए तो बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। तो स्विच अगर ए हमारा ऑफ है तो बल्ब वाई ऑन होगा, स्विच हमारा अगर ए ऑन है तो बल्ब वाई ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आता है लॉजिक गेट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द डिजिटल सर्किट दैट कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड लॉजिक गेट, उसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं या लॉजिक सर्किट कहते हैं। ए लॉजिक गेट कैन हैव टू और मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। लॉजिक गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होता है मगर एक ही आउटपुट होता है। तीन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो टेबल क्या होगा, तो टेबल हम लोग किसको बोलते हैं। द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स और सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए टेबल व्हिच कंटेन्स ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स इज कॉल्ड ए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें जो भी पॉसिबल हमारा इनपुट्स होगा उसके लिए क्या कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होना चाहिए उसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, उस टेबल को हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। इफ देयर आर एन इनपुट्स, अगर एन इनपुट्स हो सकता है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन एन स्क्वायर पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे अगर हमारा इनपुट दो रहेगा तो दो का स्क्वायर चार, तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। जीरो एंड वन इनपुट्स आर टेकन इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग बाइनरी नंबर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस, ठीक है। आसानी से एनालाइज करने के लिए हम लोग जीरो और वन को इनपुट के रूप में लेते हैं। फोर इनपुट गेट रहेगा तो फोर के अगर इनपुट गेट रहेगा तो फोर का स्क्वायर मतलब 16 इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये मैंने यहाँ पर बना करके दिखाया है। अब डिजिटल और गेट, डिजिटल और गेट हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग दो डायोड लेंगे D1 और D2, दोनों को हम लोग इस तरह से कनेक्ट करके रखेंगे। हमारा बैटरी जो है वो इनपुट सिग्नल के लिए रहेगा 5 वोल्ट का। ए और बी हमारा दो स्विच हो गया, ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट देखेंगे। ये हमारा और गेट का, डिजिटल और गेट का सर्किट हो गया, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, दोनों को अगर हम जीरो पे रखते हैं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। दोनों में से किसी को भी अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ए को 5 वोल्ट से या बी को 5 वोल्ट से, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा क्योंकि हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंबल अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा, दिस इज द सिंबल फॉर और गेट। ये जो सिंबल है ये हमारा सिंबल और गेट का सिंबल है। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, दोनों जीरो रहेगा तो आउटपुट जीरो, दोनों में से कोई भी अगर वन है तो आउटपुट हमको वन मिलेगा, दिस इज आवर और गेट। इसके बाद आता है हमारा एंड गेट, इसके लिए हम लोग अगेन दो डायोड लेंगे मगर इस बार प्रीवियस वन से हम इसको उल्टा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, 5 वोल्ट लगाए हुए हैं, दो हम लोग इनपुट के लिए 5 वोल्ट ले लिए, आउटपुट हम लोग वाई लेंगे। अगर हम लोग ए को कनेक्ट कर दें 5 वोल्ट से या बी को कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। मगर जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों डायोड जो होगा D1 D2 वो रिवर्स बायस हो जाएगा और ये जो आउटपुट सेक्शन में ये 5 वोल्ट है इसके कारण हमको आउटपुट मिल जाएगा। इसी को हम यहाँ लिख के दिखाए हैं, बोथ ए एंड बी आर गिवन जीरो इनपुट, देन द डायोड कंडक्ट फॉरवर्ड बायस हो जाएगा उधर वाले के लिए, आउटपुट हमको नहीं मिलेगा अक्रॉस RL, ठीक है। इसका अगर सिंबल हम लोग देखते हैं तो ये सिंबल हो जाएगा, दिस वन दी ये जो है वो सिंबल है, किसका सिंबल है, एंड गेट का सिंबल है। और इसके लिए पॉसिबल ट्रुथ टेबल क्या बना, कम्बिनेशन के साथ 0 0 तो आउटपुट हमको 0 मिला, ए डॉट बी 0 हो गया, 0 अगर ए 0 है बी 1 है तो आउटपुट 0, ए 1 है बी 0 है तो आउटपुट 0, दोनों 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इसके बाद नॉट गेट आता है, नॉट गेट के लिए जो कम्बिनेशन है वो इस बार हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको नहीं देखना है।
ट्रांजिस्टर को लेकर के पहले पढ़ना होता था। तो अब ये नॉट गेट का सिंबल हो गया। नॉट में अगर हमारा इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो मिलेगा, और अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन मिलेगा। ठीक है, ये जो है ये सिंबल याद रखना है, ए इनपुट है और वाई हमको आउटपुट मिलेगा। ये ट्रुथ टेबल हो गया, जीरो रहेगा इनपुट तो आउटपुट वन मिलेगा, इनपुट अगर वन रहेगा तो आउटपुट जीरो मिलेगा। नॉर गेट, नॉर गेट जो है वो कम्बिनेशन होता है। नॉट गेट में अगर हम लोग और गेट में नॉट गेट को जोड़ देते हैं तो नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए और गेट है और नॉट गेट का हम लोग ये गोल सा ले लिए, तो ये कौन सा गेट बन गया हमारा, नॉर गेट बन गया। इसमें अगर इनपुट ए और बी है तो आउटपुट हमको ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये सर्किट हो गया, इसका ट्रुथ टेबल हो गया। देखिए हम दिखाए हुए यहाँ पर और गेट में ए प्लस बी, यहाँ पर हम लोग नॉट लगा दिए, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका ट्रुथ टेबल हुआ जीरो जीरो, ए में जीरो बी में जीरो, तो ए प्लस बी जीरो, तो वाई मिला हमको वन, आउटपुट वन मिल गया। जीरो वन, ए हमारा जीरो है बी हमारा वन है, तो यहाँ पर ए प्लस बी वन हुआ मगर उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा हो गया तो जीरो हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अगर दोनों नॉर गेट में दोनों इनपुट ए और बी अगर जीरो है तभी हमको आउटपुट वन मिल रहा है, अदरवाइज अगर कोई भी इनपुट वन हो जाएगा तो आउटपुट हमको जीरो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से नैंड गेट, नैंड गेट हम कैसे बनाएंगे, नैंड गेट यूनिवर्सल गेट भी होता है, तो नैंड गेट हम बनाएंगे एंड गेट में हम लोग नॉट गेट को लगाएंगे। ठीक है, तो अगर इनपुट हमारा ए और बी है तो हमको आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसका सर्किट हो गया जो पढ़ना नहीं है। इसके बाद एक बार इसको सिर्फ देख सकते हैं, सिंपल है इसमें। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर इस बार के रिड्यूस सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नहीं देखना है इस बार के लिए, बट आपके नॉलेज के लिए है। तो हम लोग यहाँ पर एंड गेट में एक कौन सा गेट लगाया है, नॉट गेट लगाया, तो एंड गेट का आउटपुट हो गया ए और बी अगर इनपुट है तो ए डॉट बी, और यहाँ नॉट गेट लगा दिया तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये तो टेबल हो गया ए बी ए डॉट बी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों जीरो रहेगा तो जीरो डॉट जीरो जीरो होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। जीरो ए है और बी अगर वन है तो ए डॉट बी जीरो होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट आपको मिल जा रहा है नैंड गेट में, और अगर दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। ये जस्ट उल्टा हो गया नॉर गेट का। नॉर गेट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, नॉर गेट से भी हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, और नॉट और एंड, उसी तरीके से नैंड गेट से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो और गेट हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नॉर गेट जो है उससे हमको और गेट बनाना है, तो अगर हम लोग एक नॉर गेट के आउटपुट में को कपल्ड करके दूसरे नॉर गेट में लगा देंगे तो इसका क्या आउटपुट मिला, ए डॉट बी का आउटपुट मिला ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको फिर से हम डाल दिए तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो कौन सा गेट बन गया, और गेट बन गया। इसका ट्रुथ टेबल हो गया जो हम आपको बता चुके हैं, इसके आप एक बार फिर से इसमें देख सकते हैं। जैसे इसमें ए और बी में जीरो जीरो देंगे तो पहला नॉर गेट से मिलेगा जीरो जीरो का कॉम्प्लीमेंट मतलब वन, ठीक है, और दूसरे से क्या मिलेगा, वन का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो। इसी तरीके से एंड गेट कैसे बनाएंगे, एंड गेट बनाने के लिए हम लोग दो अलग अलग नॉर गेट लेंगे, उनमें दोनों इनपुट को कपल्ड कर देंगे, एक में ए देंगे दूसरे में बी देंगे, और फिर एक नॉर गेट लगाएंगे जिसमें ए डैश और बी डैश, जो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था ए डैश, यहाँ बी का आ रहा था बी डैश, वो जब पास करेगा तो ए डॉट बी बन जाएगा। तो ये कौन सा गेट बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। उसी तरीके से अगर हम नॉट गेट बनाना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है, नॉर गेट के दोनों इनपुट को कपल्ड कर दीजिए और उसका आउटपुट जो होगा वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो हम लोग नॉट गेट बना सकते हैं। देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर ए दिए, हम इसके दोनों इनपुट को कपल्ड कर दिए तो यहाँ हमको फाइनल आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट मिला, यानी कि ए अगर वन है तो वाई हमको जीरो मिलेगा, ए अगर जीरो है तो वाई हमको वन मिलेगा। तो ये नॉट गेट के जैसा बिहेव करेगा। तीनों का मैंने यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी आपके लिए दर्शा दिया है। इसी तरीके से हम नैंड गेट को भी ले सकते हैं एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। नैंड गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछता भी है कि नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है कैसे, तो जब आपसे पूछेगा कैसे तो आपको ये तीनों डायग्राम बना करके दिखाने होंगे जो अभी हम बताने जा रहे हैं। और गेट बनाना है नैंड गेट से तो आप क्या करेंगे, एक
नैंड गेट लेंगे, दोनों इनपुट को कबल्ड करेंगे, दूसरे नैंड गेट लेंगे, दोनों इनपुट को कबल्ड करेंगे, एक में ए देंगे दूसरे में बी देंगे, तो आउटपुट मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को इनपुट बनाते हुए एक और नैंड गेट में डाल देंगे तो फाइनल आउटपुट मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए प्लस बी। ये डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग लिख देते हैं, ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। उसी तरीके से एंड गेट अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग दो इनपुट देंगे ए और बी, तो ए पहला नैंड गेट से पास करेगा तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसको अगेन हम लोग दूसरे नैंड गेट से पास करा देंगे दोनों इनपुट को कपल्ड करके, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ए डॉट बी बी हो जाएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे ट्रुथ टेबल से भी कि जीरो जीरो है तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट वन आया तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो हो गया, तो फाइनली वो एंड गेट के जैसा बिहेव कर रहा है। सिमिलरली हम नॉट गेट बनाना चाहते हैं तो नैंड गेट के दोनों इनपुट को कपल्ड कर देंगे, ए देंगे इनपुट तो दोनों में ए जा रहा है, तो आपका नैंड गेट का होता ही है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा नॉट गेट बन जाएगा, इनपुट जीरो तो आउटपुट वन, इनपुट वन तो आउटपुट जीरो। याद रखिएगा जीरो और वन ये सिम्बॉलिक होता है, जीरो मतलब जीरो वोल्ट आप ले लीजिए, वन मतलब पाँच वोल्ट ले लीजिए अगर वोल्टेज के टर्म में लेंगे तो। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हमारा सेमीकंडक्टर अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग आखिरी अध्याय जो 12th क्लास का बचा हुआ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, वो अगले वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।